हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमकेएस क्लासेस के माध्यम से सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। तो आज यहाँ हम लोग ब्राह्मी कक्षा के लिए एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं सदिश बीजगणित। और सदिश बीजगणित में ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स दे चुके, जिसमें से 10A कम्प्लीट हो गया और आज उसी क्रम में 10B को हम कम्प्लीट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय की नज़ाकत को देखते हुए, ठीक है ना। हमारे पास समय बहुत कम है, मतलब कुछ करने के लिए, मेरा भी एग्ज़ाम है, मुझे भी कुछ पढ़ना है, लेकिन जब तक समय है मैं बना दे रहा हूँ। आइए ध्यान दीजिएगा, कारक किसी मूल बिंदु के सापेक्ष ए और बी बिंदुओं के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं, तो हमें निकालना है वेक्टर ए बी वह वेक्टर बी ए सदिशों को ज्ञात करो। देखिए एक नया चीज़ आया आपके पास, और नया क्या है, हमने जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डेट्स में डिफिनीशन के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक डिफिनीशन हमारे पास था, एक हेडिंग था जिसका नाम था पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। स्थिति का मतलब क्या हो गया बेटा, उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन होगी तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होगी। जैसे मान लीजिए आप सब हैं, स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तमाम बच्चे तमाम गांव से आते हैं, तो वहाँ बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा घर इतना दूर है। कोई कह रहा हमारा घर 2 किलोमीटर है, हमारा घर 3 किलोमीटर है, हमारा घर 4 किलोमीटर है, हमारा घर 10 किलोमीटर, हमारा घर 5 किलोमीटर, हमारा घर 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है तो किसी ना किसी के बीच का डिस्टेंस होगा। सब बच्चे दूरी कहाँ से नाप रहे हैं, रिस्पेक्ट टू स्कूल और कॉलेज। तो यहाँ पर हमें जो कुछ भी करना है वो रिस्पेक्ट ओके करना है, क्योंकि मूल बिंदु के बारे में बात किया जा रहा है। तो स्थिति सदिश कुछ और नहीं है, उनकी अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का, ठीक है ना, उनकी अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का अंतर होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास है वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी। अब वेक्टर ए बी जो होगा, ठीक है ना, हमें दिया गया है, जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं, गिवेन डैट क्या दिया है, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। अब देखिए मूल बिंदु आया है तो कहीं ना कहीं ओरिजिन पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ओए होगा। और ये कितना दिया है, वेक्टर ये दिया है, तथा मूल बिंदु के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश, ठीक है ना, वेक्टर ओ बी, ये आपको दिया गया है वेक्टर बी। आपको फाइंड आउट करना है, क्या ज्ञात करना है, आपको निकालना है वेक्टर ए बी बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। और केस फर्स्ट ये था, इसी प्रकार केस सेकंड आपके पास है वेक्टर बी ए। तो अगर आप केस फर्स्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो केस सेकंड बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो स्थिति सदिश होता है वो अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो यहां से जो कुछ भी होगा, ध्यान दीजिएगा, हल में अगर देखा जाए केस फर्स्ट के बारे में, तो जो वेक्टर ए बी होगा ना, वो होगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए होगा। अब देखिए जो ओ बी है, जो ओ बी है, उस ओ बी का मान कितना है, उस ओ बी का मान है वेक्टर बी नाम है, और माइनस वेक्टर ओ ए का मान कितना है, वेक्टर ये है। तो इस प्रकार से आपने वेक्टर ए बी बड़े आसानी से ज्ञात कर लिया। अब हमें अगर केस सेकंड ज्ञात करना हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए में, तो वेक्टर ए बी जो हमारे पास है और जो वेक्टर बी ए है वो परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं। पहले ये आया है तो यहाँ, बाद में पहले ये आया है और बाद में बी आया है,
यहां अगर देखा जाए तो जस्ट अपोजिट, जो पहले वो बाद में, जो बाद में वो पहले आया है। तो कहीं ना कहीं ए भी दोनों में है लेकिन आगे पीछे है। दैट्स मीन्स अगर आपके पास एक दिशा ऐसी हो, एक ऐसा हो, तो दैट्स मीन्स मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो इस सिचुएशंस में बोथ आर अपोजिट वेक्टर, और ये अगर वेक्टर ये होगा, ये वेक्टर बी होगा, तो यहां कुछ और नहीं होगा, वेक्टर ये बराबर माइनस वेक्टर बी होगा, या वेक्टर बी इक्वल माइनस वेक्टर ये होगा। आप चाहे वेक्टर ये इक्वल माइनस वेक्टर भी लिखिए या वेक्टर भी इक्वल माइनस वेक्टर ये लिखिए, दोनों बात इक्वल है। तो यहां भी देखा जाए अगर, तो कुछ इसी प्रकार से संबंध यहां है, दोनों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है। तो सिचुएशंस में जो वेक्टर बी ए होगा वो माइनस ऑफ वेक्टर ए बी होगा। माइनस ऑफ माइनस वेक्टर ए बी का मान कितना है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ये भी सही है। और आप और लिखना चाहते हैं, या वेक्टर बी ए इक्वल, यहाँ से अगर देखा जाए तो माइनस वेक्टर बी, ये ब्रेकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, और इस प्रकार से वेक्टर जो बी ए होगा वो वेक्टर ये माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हम समराइज कर दे रहे हैं कि वास्तव में पोजिशन वेक्टर है क्या। जैसे मान लीजिएगा हमने लिखा क्या लिखा, वेक्टर ए बी इक्वल हमने लिखा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए लिखा। ये बताओ ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वेक्टर ए बी माइनस है तो प्लस, वेक्टर ओ ए इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, वेक्टर ओ बी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 11 में आप लोग कहीं ना कहीं एक चैप्टर पढ़े थे सदिश विश्लेषण, जिसमें से एक पढ़े थे क्या, सदिशों का योग। तो सदिशों का योग में चलिए चर्चा कर लेते हैं इसी वक्त सदिशों का योग, और फिर समझाते हैं पोजिशनल वेक्टर के बारे में। चलिए इतना तो नोट हो गया होगा, आइएगा अगला चीज आता है सदिशों का योग, उसी में इस चीज को हम आपको समझा दे रहे हैं। सदिशों का योग में क्या होता है, दो सदिशों का योग, या मैं लिख दे रहा हूं एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ या एड ऑफ टू वेक्टर, थोड़ा सा अंग्रेजी हम सीख रहे हैं, अगर हिंदी लिखें तो दो सदिशों का योग, हमें यहां दो सदिशों को जोड़ना है। तो दो सदिश सब जोड़ पाएंगे जब वो दो दिए रहेंगे। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए का ये प्रारंभिक सिरा हो गया और ये कौन सा हो गया, अंतिम सिरा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो इनिशियल और ये फाइनल है, दूसरे भाषा में ये हेड है और ये टेल है, ठीक है ना। अब क्या करिए, जब दूसरा वेक्टर आप करिए तो इस दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक सिरा इस वेक्टर ये के अंतिम सिरे से, तो कुछ इस प्रकार से हमने ऐड किया, मतलब जोड़ा, संयोजन किया दो वेक्टरों का। अब देखिए इसका ये प्रारंभिक और इसका ये अंतिम, इसका ये प्रारंभिक और ये क्या हो गया, अंतिम। अब इसका प्रारंभिक और इसका अंतिम जो होगा, ठीक है ना, जो इसका प्रारंभिक होगा वो उसका अंतिम होगा। अगर इन दोनों को इससे मिला दें तो ये बनेगा कहीं ना कहीं इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा, जो कि उन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो गया दो सदिशों का योग। इसको पहचानते कैसे हैं, हमने बताया एक तरीका, देखिएगा ऐसे, फिर ऐसे, और फिर कहीं ना कहीं ऐसे होगा, ठीक है ना। अगर इसी का मुंह घुमा देंगे तो देखिए यहां से अगर ये ऐसा हो जाए कुछ, तो जो R निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, माइनस वेक्टर R के, क्योंकि इसका मुख उधर है, इसका मुख इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो उस सिचुएशन में कुछ ऐसा ये क्रिएट करेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए मान लीजिएगा, अभी हमने बताया आपको पोजिशन वेक्टर के बारे में, आपको लिख दिया जाए CD, तो अंतिम
माइनस क्या होगा, प्रारंभिक होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लिख सकते हैं वेक्टर सी डी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये ओ डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने कहीं ना कहीं दो सदिशों को जोड़ा है। तो यहां से अगर देखा जाए तो कुछ ये ऐसा बनेगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इसमें, और इसका प्रारंभिक, इसका अंतिम जो तीसरा दिखा रहा भुजा, वो परिणामी जो कि वेक्टर ओडी के बराबर होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दूसरा में, कह रहा कि निम्न चित्र में त्रिभुज एबीसी में सदिश वेक्टर एबी तथा वेक्टर बीसी का योगफल बताना है। देखिए ये हमारे पास एबी हो गया ये एबी हो गया, और फिर इसके बाद में यहां से ये बीसी हो गया, और ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है ना। हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर ए बी तथा वेक्टर ए सी का योगफल बताना है। क्या बताना है, योगफल। तो बड़ा आसान चीज है, देखो मुझे इनको आपस में जोड़ना है और बताना है कि ये दोनों आपस में जो जुड़ेंगे तो किसके बराबर होंगे। अच्छा कुछ फिगर नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं, चिंता ना करिए। देखिए अच्छा ए बी और बी सी जोड़ना है, सॉरी ए बी और बी सी जोड़ना है, इसके लिए माफी चाहता हूं, कुछ और लिख दिए, कोई और क्वेश्चन देख लेते शायद। आइए ये ए बी है जिसकी दिशा इधर है, ये बी सी है जिसकी दिशा ऊपर है, तो कहीं ना कहीं अगर इनका योग के बारे में बात किया गया है तो ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा, तो कहीं ना कहीं किसके बराबर होगा, ये वेक्टर ए सी के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है ना। और सदिश योग, ये भी जान लीजिए, सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब ये हो गया कि हम चाहे इसको इस ऑर्डर में लिखें, और अगर हम लोग चाहें तो भी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और साथ ही साथ साहचर्य नियम का पालन करता है। अच्छा चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा हम और अच्छे लगते हैं। हमने क्या कहा, सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। दूसरा अगर देखा जाए तो लिख रहे हैं सदिश योग साहचर्य नियम का पालन करता है, मतलब किसी को किसी के साथ जोड़े तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ऐसे है तो अगर इसको ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये साहचर्य नियम है एसोसिएटिव और ये कम्यूटेटिव है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को दिमाग में रखे रहिएगा कि सदिश योग क्रम विनिमय नियम एवं साहचर्य नियम का पालन करता है। चलिए अब हम इसी दूसरे के बी में चलते हैं। आइए बड़े आसानी से सब लोग ध्यान दीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े आसानी तरीके सब चीज़ सीखेंगे विद कॉन्सेप्चुअल। बी क्या कह रहा है कि निम्न चित्र में हमें बताना है वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB बताना है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा फिगर हम बना दे रहे हैं, ये O हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया और ये B हो गया। इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है, इसकी ऐसे है, इसकी ऐसे है और इसकी तैसी है। यह वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। तो ध्यान दीजिएगा आपको निकालना है
वेक्टर OA धन वेक्टर OB निकालना है। तो अगर ये वेक्टर ये होगा तो ये भी वेक्टर ये होगा, अगर ये वेक्टर B है तो ये भी वेक्टर B होगा। तो कहीं ना कहीं OA का मान आपको वेक्टर B मिल जा रहा है और OB का मान कहीं ना कहीं वेक्टर ये मिल जा रहा है, जो कि यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम सी में चलते हैं। दूसरे का सी, कर्ण त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्रमशः वेक्टर ए बी कामा बी सी कामा वेक्टर सी ए से निरूपित सदिशों का योग कितना होगा, सदिशों का योग कितना है। आइए चलते हैं, ठीक है, सदिशों का योग कितना है, बड़ी आसानी से सीखेंगे इस चीज को। आइए चलते हैं। तो अब यहां से क्या होगा, यहां से अगर देखा जाए तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं बढ़िया वाला, इसका नाम ए बी और ये सी हो गया। तो ये ए बी है तो इसलिए कुछ ऐसा होगा, बी सी है तो कुछ ऐसा होगा और सी ए है तो कुछ ऐसा होगा। चलिए चलते हैं, बड़े आसानी से इस चीज़ को सीखते हैं। अगर आप ये मानिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, अगर ये तीर ऐसा होता, अगर ये तीर ऐसा होता तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और ये किसके बराबर होगा, वेक्टर एसी के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इसी के डायरेक्शन को हम चेंज कर दें तो कहीं ना कहीं ये विपरीत सदिश बनेगा, और जब विपरीत बनेगा तो अब हो जाएगा ये वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल माइनस वेक्टर सी ए बनेगा। माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सब का जो योग बनेगा वो हमें सुनना मिलेगा, नोट कर लीजिएगा। मतलब अगर एक साइकिल बनाते हैं, मतलब एक वक्र सॉरी एक बंद पथ बनाते हैं तो उन सभी का जो योग बनेगा, देखिए ऐसे गए जहां से चले वहीं आए, तो उन सभी का योग कितना हो गया, शून्य हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। आइएगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री आ चुका है। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा पार्श्व चित्र में वेक्टर OA बराबर दिया है वेक्टर ये, और फिर कह रहा वेक्टर AB बराबर दिया है वेक्टर B, तो हमें निकालना है वेक्टर OB और वेक्टर CD ज्ञात करो, जबकि C कामा D क्रमशः OA और AB और ए बी का मध्य बिंदु है। और देखिए कुछ दिया है हिंट भी, का मध्य बिंदु है,
ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ये हो गया वेक्टर ए, और ये हो गया पूरा वेक्टर बी। तो हमने चित्र बना दिया। देखिए बड़ा आसान सवाल है, कुछ करना ही नहीं है। पास चित्र में जो हमारे पास वेक्टर OA है उसका मान दिया है वेक्टर ए, एंड वेक्टर AB ये दिया है वेक्टर B। हमें निकालना है केस फर्स्ट, क्या निकालना है बेटा, हमें वेक्टर OB निकालना है। तो वेक्टर OB का मतलब O से B की तरफ। तो देखिए O से ये गए, ये से B गए, फिर जो OB होगा इन दोनों का योग होगा। अरे भाई हमने बताया ना कि इसका अंतिम और इसका प्रारंभिक, इसका अंतिम इसका प्रारंभिक को मिलाने वाली जो भुजा होगी वही क्या होगा, इन दोनों की परिणामी के बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा जो परिणामी होगा। तो यहां से जो OB होगा वो कहीं ना कहीं आपके पास वेक्टर OA, आइए देखिएगा सॉल्यूशन, वेक्टर OB जो होगा वो वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB के योग के बराबर होगा। अब यहां से जो वेक्टर OB होगा, वेक्टर OA का मान कितना दिया है, वेक्टर ये दिया है, और वेक्टर AB का मान वेक्टर B दिया है। तो इस प्रकार से हमने वेक्टर OB का मान फाइंड आउट कर लिया, वेक्टर ये प्लस वेक्टर B। इसके बाद आपको निकालना है कहीं ना कहीं CD निकालना है। तो बड़ा आसान चीज है, देखिए CD में भी कुछ ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि इंडिकेट क्या कर रहा है, O से A की तरफ, तो कहीं ना कहीं C वाला भी A की तरफ इंडिकेट करेगा, ये का इंडिकेशन है B की तरफ, तो कहीं ना कहीं A वाला भी D की तरफ इंडिकेट करेगा। इसका अंतिम और इसका प्रारंभिक, ठीक है ना, और इसका अंतिम इसके प्रारंभिक को मिलाने वाला जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। अब यहां से जो होगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, यहां से जो केस सेकंड वाला है इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर CD बराबर वेक्टर CA प्लस वेक्टर AD। अच्छा अब ये बताइए, जो वेक्टर CA है अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 है, इसका आधा है, मतलब 1/2 वेक्टर OA। AD भी ठीक बिहेव करेगा, क्योंकि देखिए C और D क्रमशः OA और AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु होगा, तो AD जो होगा वो AB का आधा होगा, हाफ, ठीक है ना, वेक्टर AB हो जाएगा। अब इसके बाद वेक्टर CD हाफ कॉमन हो गया, तो क्या बचा, वेक्टर OA बचा जिसका मान वेक्टर ये है, और AB का मान वेक्टर B है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने CD का भी मान निकाल लिया। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात सबको समझ में आई होगी। नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में।